गणपति गणेश काटक श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, श्री गणेशाय नमः। गणपति गणेश काटो कलेश, जय जय श्री राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला अध्याय कार्तिक मास की कथा का नमिश्रानो तीर्थ में श्री सिंह जी महाराज 88,000 स्वामी का विदेशियों से बोले। अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट कर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोले, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्षा भी आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत ही आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की भाँ पकड़ कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत ये तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अवधारणा हुई। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में ले इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आत्रे गोत्र में वेतु और यज्ञों का जानने वाला देश देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवंती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेकर वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनका शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्त। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा पूजा बहुत महत्व देती है। मैं आपको तुलसी जी की आरती सुनाती। तुलसी जी का भजन सुना रही हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो,
कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगशीर मास हुई पटरानी। धूप दीप ने बताती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय माँ तुलसा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल बांके के हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।